एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स फॉर यू चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जॉब इसे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे हाउ कोरोना वायरस इन्फेक्ट ह्यूमन सेल, जस्ट बी अवेयर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोरोना वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये वुहान से आया है, चाइना से। अब ये इट्स ऑल पेंडेमिक, तो ये हर जगह फैल चुका है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक एंड सिम्प्टोमेटिक बहुत सिम्टम्स दे रहा है। अगर सिम्टम्स दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है, शो हो रहे हैं नहीं हो रहे किसी को, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको, हर किसी को मास्क पहनना चाहिए अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं। और हमें भी नहीं पता कि हम कैरियर हैं या नहीं है। अगर कोई स्नीज कर देता है, छींक देता है, तो उनको इन्फेक्ट करेगा नहीं करेगा, या फिर हमारे लिए भी सेफ्टी रहेगी एक अगर हम मास्क पहन के जाएंगे। लोग इतना सीरियस नहीं है अभी तक, और इतना ज़्यादा मॉडिफाइड कर चुका है ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो प्लीज़ बी श्योर एंड प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस वाइल गोइंग टू आउटसाइड। बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहनिए और सैनिटाइज ज़रूर करिए अपने हैंड्स को। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये ह्यूमन का मैंने प्रेजेंट किया है, ये नेसल कैविटी है जो हमारे गले में होती है और ये लंग्स के थ्रू जाती है। सबसे पहले अगर हम कोई भी अगर वायरस जा रहा है तो ये नेसल कैविटी से जाता है, सीधा हमें लंग्स के ओर ले जाता है। तो ये क्या करता है वायरस, ये हमारे ह्यूमन सेल है और ये वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और ये ह्यूमन सेल है। जब ये एंटर करता है वायरस ह्यूमन सेल में, तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म पे अटैक करता है सबसे पहले और ये प्रोटीन्स को बनाता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और फिर ये इट ग्रोस वेरी फास्ट। सेकेंड इज आरएनए वायरस चेंजिंग रैपिडली, 40 टू 50 मॉडिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन डन एज पर द रिसर्च, जितना मुझे पता है। सबसे पहले वायरस कहाँ इन्फेक्ट करता है और ये क्या करना चाहिए, क्या करता है अंदर जाकर। सबसे पहले ये जो मैंने डायग्राम शो कर रखा है आपको, जो दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है, लंग्स में है। तो लंग्स में जो सेल है ये ACE2 रिसेप्टर पर बाइंड करता है। ACE2 रिसेप्टर क्या करता है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है। रिसेप्टर पे बाइंड करेगा पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ACE2 रिसेप्टर पे बाइंड किया, इट मेक्स द वेसिकल। सेकेंड इज जब बाइंड कर लेता है उसके बाद वेसिकल बना लेता है, एनगल्फ कर लेता है, जो इनसाइड चला जाता है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज लाइसोसोम फ्यूजन। जब वो लाइसोसोम क्या होता है, साइटोप्लाज्म यूज राइजोसोम टू मेक प्रोटीन। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए कोरोना वायरस में एक अलग ही वो है, तो इट मॉडिफाइड और अपना प्रोटीन वो खुद प्रिपेयर कर लेता है और इसकी वजह से सेल डेथ ज़्यादा, मतलब सेल डेथ हो जाती है और वो अपना बनाता जाता है प्रोटीन्स, और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बनाता जा रहा है और सारे सेल्स को डेथ कर देता है। और ये प्रोटीन्स एंजाइम सिक्रीट करता है, मेक्स प्रोटीन एंजाइम। तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। और मास्क जरूर पहनिए, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।